हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप एम ए एम एस सी के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट के अंतर्गत मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन के पेपर को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। सो सबसे पहले हम लोग मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। इसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखाएंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर बनता हुआ आया है और इस बार 2024 और 2025 में किस तरीके के क्वेश्चन पेपर के बनने की उम्मीद है। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हम लोगों ने टोपोलॉजी, रियल एनालिसिस, इन सभी के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया है। क्वेश्चन पेपर आपको दिखा करके वहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ताकि हमारी कम टाइम में अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलिए देखते हैं मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन को। इस पेपर में यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। अलजेब्रा ऑफ सेट्स है, काउंटेबल सेट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। कंटोर सेट से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बोरल सेट से भी क्वेश्चन देखे गए हैं। आउटर मेजर ऑफ ए सेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, मेजरेबल सेट्स, तो इसमें से आपको काउंटेबल सेट, कंटोर, वैसे तो बेसिक हमें सभी कुछ जानना होगा, यूनिट फर्स्ट बेसिक ही है तो इसको पूरा ध्यान से पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में लिप्जिग मेजर है, मेजरेबल फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज़, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड एलिटिल वुड्स थ्री प्रिंसिपल। इसमें जो मेजरेबल फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। वैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग अलग होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 5 out of 10 क्वेश्चन करने होते हैं, तो इस तरीके से आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्या पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान देंगे। थर्ड यूनिट की अगर यहाँ पर बात करें तो इसमें भी लिप्जिग इंटीग्रेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। नॉन नेगेटिव फंक्शन का इंटीग्रल कैसे होता है, फोटोज लैमना है, मोनोटोन कन्वर्स थ्योरम है, जनरल लिप्जिग इंटीग्रल है और लिप्जिग कन्वर्स थ्योरम भी है। फोर्थ यूनिट जो है इसमें मोनोटोन फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया गया है, विटालीज लेमा है और 4 derivatives हैं। द डिफरेंशिएशन थ्योरम भी इसमें है, ये पूछ ली जाती है कभी कभी लॉन्ग आंसर में। फंक्शंस ऑफ द बाउंडेड वेरिएबल, डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल एंड ऑब्सोल्यूट कंटिन्यूटी, ये टॉपिक्स हमारे फोर्थ यूनिट में हैं। इसके बाद में जो फिफ्थ यूनिट है ये इनइक्वालिटीज से रिलेटेड है, इनइक्वालिटी एंड द एलपी स्पेसेस, द एलपी स्पेसेस, कॉन्वेक्स फंक्शन, जेंसन्स इनइक्वालिटी, द इनइक्वालिटीज ऑफ होल्डर एंड मिनकोस्की, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। होल्डर एंड मिनकोस्की की जो इनइक्वालिटी है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर बनता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन के पेपर में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। सो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर मैथमेटिक्स का मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन का प्रीवियस ईयर का पेपर है। सो इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें 5 questions करने हैं आउट ऑफ 10। तो हमें देखना है कि हमें कौन से सेलेक्ट करने हैं जो आपको आ रहे होंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखिए बूलियन अलजेब्रा से पहला ही क्वेश्चन बन गया, प्रूव दैट एनी गिवन कलेक्शन सी ऑफ सबसेट ऑफ एक्स देयर इज़ ए स्मॉलेस्ट अलजेब्रा ए विच कंटेन्स सी। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट यूनिट से बना हुआ क्वेश्चन है। इसका अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो इसके दोनों पार्ट आपको करने होंगे। इसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन जो बना हुआ है, ये बोरल सेट से हो गया। बोरल सेट से प्रूफ करना है कि एवरी बोरल सेट जो है वो मेजरेबल होता है, और इसका सेकंड पार्ट भी हमें करना है जिसमें प्रूफ करने हैं कुछ चीज़ें, जैसे ई जो है वो मेजरेबल है, और इसी के साथ साथ सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट भी हमें प्रूफ करने हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें भी 2 parts हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ते ही करने नहीं लग जाएंगे, पहले देखेंगे कि क्या दोनों पार्ट उसके आ रहे हैं कि नहीं। अगर दोनों नहीं आ रहे हैं तो आपको आधे मार्क्स ही मिलेंगे वहाँ पर। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इसका ए और बी दोनों पोर्शन आ रहे हैं हमें या फिर नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे कि 10 में से हमें कौन से 5 questions को करना है। 4 questions है मेजरेबल फंक्शन से बना हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम लोगों ने सिलेबस में देखे थे, जिन पर हमें ध्यान देना है। पाई और साई को सिंपल फंक्शन मान करके जो कि वैनिस हो जाते हैं आउटसाइड द सेट ऑफ फाइनाइट मेजर, देन हमें प्रूफ करना है, ये चीज़ हमें प्रूफ करके लानी है। ये क्वेश्चन है 5 का A part एंड सेकेंड पार्ट इसका दिया हुआ है एफ एंड जी, जिनको नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन माना गया है। इसके बाद हमें प्रूफ करना है कि एफ़ प्लस जी इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन एफ़
प्लस इंटीग्रेशन जी के इक्वल होगा। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट फटाउस लेम्मा को स्टेट एंड प्रूव करने के लिए आ गया है। तो हमारे पेपर में जो भी लेम्मा है दिए हुए हैं इनको ध्यान से हमें करके जाना है, स्टेटमेंट इनका अच्छे से तैयार करना है और उसके बाद उनका प्रूफ भी। इसके बाद देखिए दोनों ही थ्योरम बेस्ड आ गए हैं। लिप्ज़िग कन्वर्जेंस थ्योरम डायरेक्ट पूछ ली गई है, स्टेट एंड प्रूफ लिप्ज़िग कन्वर्जेंस थ्योरम। तो ये करने वाला क्वेश्चन था, ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए क्योंकि दोनों ही पार्ट इसके आप कर लेंगे आसानी से अगर तैयार किया है तो। जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे उन्हें आप स्किप कर सकते हैं, बट जो प्रूफ करने वाले और जो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट थ्योरम से बने हुए हैं, उनको स्किप मत करिएगा। वो इजी होते हैं और उनको तैयार भी करके चाहिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि फंक्शन आपको बाउंडेड एंड मेजरेबल दिया गया है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में और एफ एक्स की वैल्यू आपको दी गई है। देन आपको प्रूफ करना है कि एफ डैश एक्स जो है वो एफ एक्स के इक्वल होगा फॉर ऑलमोस्ट ऑल एक्स इन दैट क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ओके, सेकेंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारा फंक्शन है वो इंडेफिनिट इंटीग्रल इफ़ एंड ओनली इफ तब होगा जब वो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद 9 एंड 10 नंबर क्वेश्चंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनइक्वालिटी से क्वेश्चन बना है जो कि हमारी लास्ट यूनिट थी, उससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन में। इसी के साथ साथ जो टोपोलॉजी है और रियल एनालिसिस है उनकी टॉपिक्स पर भी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, तो आप वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टोपोलॉजी के नोट्स कैसे बनाएंगे, उसके शॉर्ट नोट किस तरीके से बना सकते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ उसमें बताया गया है। तो आप ज़रूर से ज़रूर विजिट करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, चाहे तो विजिट कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं MSc से रिलेटेड, BSc से रिलेटेड, मैथमेटिक्स की, वो आप तक पहुँचती रहें। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।